सो ये है हमारा सिल्वर प्ले बटन जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मिलता है। बट हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं एंड ये हमें कैसे मिला वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले जैसे कि आप जानते हो कि हमारा एक ड्राइंग से रिलेटेड चैनल है एंड हम इस वीडियो में सिल्वर प्ले बटन ड्रॉ करेंगे। और मैंने यहाँ पर A3 साइज पेपर शीट का यूज़ किया है जो कि 210 GSM की है। और सबसे पहले मैं YT लोगो ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही लाइट प्रेशर का अप्लाई किया है बिकॉज हम इसकी शेडिंग ग्रेफाइट पेंसिल से नहीं करेंगे, हम इसकी शेडिंग कलर पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं आउटलाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। और आउटलाइंस यहाँ पर हो गई हैं कंप्लीट और अभी हमें यहाँ पर शेडिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा था शेडिंग के लिए मैं कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा, तो मैं पहले सिल्वर कलर का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। और हमें यहाँ पर नॉर्मली शेडिंग नहीं करनी है, हमें प्ले बटन के अकॉर्डिंग शेडिंग करनी है, हमें स्ट्रोक्स में शेडिंग करनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर शेडिंग में टाइम बहुत लगने वाला है बिकॉज हमने जो पेपर शीट ली है वो A3 साइज है और हमें कम्प्लीट पेपर शीट पर इसी तरह से शेडिंग करनी है। प्ले बटन पर जहाँ पर भी YT लोगो होता है और उसके साथ ही लेटर्स होते हैं उनमें हमें शेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, उनके आउटसाइड हमें शेडिंग करनी है। और बस इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी लेटर्स हैं YT लोगो है उनको हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है। और शेडिंग करते करते अभी हम पहुंच गए बड़े वाले YT लोगो के पास, सो इसके आउटसाइड भी हमें इसी तरह शेडिंग करनी है। पेंसिल को मुझे बार बार शार्प करना पड़ रहा है बिकॉज मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स में शेडिंग कर रहा हूँ और पेंसिल जितनी ज़्यादा शार्प होती है हम स्ट्रोक्स को भी उतना ही अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। और अभी कंप्लीट शेडिंग करने के बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगा और ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमने कंप्लीट शेडिंग को स्ट्रोक्स में ड्रॉ किया था और ब्लेंडिंग के दौरान सारे पेंसिल स्ट्रोक्स आपस में ब्लेंड हो जाएंगे और स्मूथ हो जाएंगे जिससे हम बाद में हाईलाइट्स को ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। YT लोगो और लेटर्स के आउटसाइड ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर सबसे छोटे ब्लेंडिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमें लेटर और YT लोगो के आउटसाइड ब्लेंडिंग करनी है, इनके अंदर हमें ब्लेंडिंग नहीं करनी। एंड सभी एरियाज में अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अभी हम फिर से शेडिंग करेंगे जो कि शेडिंग की सेकेंड लेयर होने वाली है। और इस बार मैं ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। शेडिंग की सेकेंड लेयर के लिए भी हमें स्ट्रोक्स में ही शेडिंग करनी है, हमें नॉर्मल शेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। और बिकॉज ये सिल्वर पेंसिल से थोड़ी डार्क पेंसिल है सो जहाँ पर भी मुझे डार्क वैल्यू चाहिए उन्हीं एरियाज में मैं इस पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। और जहाँ पर लाइट एरियाज हैं वहाँ पर मैं बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ। जिस तरह से हमने शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ड्रॉ किया था सेम वे के साथ हमने सेकेंड लेयर को भी ड्रॉ किया है। और अभी हमने शेडिंग की सेकेंड लेयर को भी कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है और अभी हमें इसे ब्लेंड करना है जिसके लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। मेकअप ब्रश के यूज से हमें स्ट्रोक्स की जिस तरह से डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही ब्लेंडिंग करनी है। एंड अभी YT लोगों के आउटसाइड तो हमने कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है,
बस थोड़े बहुत हाइलाइट्स करने बाकी हैं जो हम बाद में ड्रॉ करेंगे। और अभी मैं वाइट लोगों के इनसाइड ड्रॉ करूँगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक एक चीज़ को बारीकी से ड्रॉ करना है, एक एक वैल्यू को अच्छे से ड्रॉ करना है। वाइट लोगों के अंदर हमें एक एक चीज़ को बारीकी से ड्रॉ करना है, जिसमें हमें बहुत टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर हमने वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी है। अभी हमें वाइट लोगो और लेटर के इनसाइड अच्छे से हाइलाइट्स को ड्रॉ कर लेना है। और अभी मैंने A3 साइज पर कंप्लीट प्ले बटन को ड्रॉ कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह से है। इसके लिए मैंने सिर्फ 3 कलर्स का यूज किया है। और ये है वो सिल्वर प्ले बटन जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, जिसको हमने इसी वीडियो में ड्रॉ किया है, इसी वीडियो में बनाया है। सो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना।